हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का 7 नंबर। तो इसको हल करेंगे। क्या बोल रहा है सवाल में निकालने, इसके तीन अगले पद निकालने बोल रहा है। तो हम लोग D1 पहले निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, दूसरा में पहला को घटाते हैं, माइनस 4 घटाओ 0, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 ही होगा। D2 निकालेंगे, कैसे होगा, D2 निकालेंगे, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, माइनस 8 में माइनस 4 घटाएंगे, माइनस 4, तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस 8 ई माइनस री माइनस प्लस फिर 4 बराबर, अब घटेगा तो कितना होगा, माइनस 4। देखिए D1 D2 बराबर है, बराबर D2, तो ये क्या हो जाएगा, अतः AP में है। सार्व अंतर कितना निकला है, माइनस 4। अब इसका तीन अगला पद निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना है, माइनस 12 में सार्व अंतर जोड़ेंगे तो कितना होगा, रफ में देखते हैं, यहाँ पे देखिए देखिए सबसे लास्ट वाला को सार्व अंतर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 ही होगा, काहे कि प्लस यहाँ बीच में होगा और ई माइनस, तो माइनस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस का चिन्ह लगता है, कितना हो जाएगा, 16। तो पहला पद कितना निकल गया, माइनस 16, माइनस 16 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 16 जोड़ माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 20, माइनस 20, माइनस 20 में माइनस 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 24। यही अगला तीन पद हो गया, आंसर भी हो गया यही। अब 8 नंबर हल करते हैं। अब इसमें सार्व अंतर निकालेंगे, D1 बराबर क्या होता है, दूसरा में पहला को घटाएंगे, माइनस 1/2 फिर माइनस, इसको लिखेंगे माइनस 1/2 1/2 ई माइनस री माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो देखिए एक माइनस में एक प्लस में और सेम भी है तो कट के क्या हो जाएगा, 0। तो D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, तीसरा में दूसरा को घटाएंगे, माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 ई माइनस री माइनस प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो D1 D2 बराबर है, देखेंगे D1 बराबर D2 तो ये हो जाएगा, अतः AP में है। अब अगला तीन पद निकालेंगे, D कितना है, बराबर 0। अगला तीन पद निकालने के लिए सवाल में देखेंगे कितना है, सबसे लास्ट में क्या है, माइनस 1/2 में कितना जोड़ेंगे, सार्व अंतर को, सार्व अंतर कितना है, 0, तो माइनस 1/2 में अगर जोड़ेंगे 0 तो सेम होगा, माइनस 1/2 माइनस 1/2 फिर माइनस 1/2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। दूसरा पद भी निकल गया, अब तीसरा, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, सेम होगा, माइनस 1/2 आंसर हो गया। अब 9 नंबर हल करते हैं, सार्व अंतर निकालेंगे, D1 बराबर क्या होता है, दूसरा में पहला को घटाते हैं, 3-1 बराबर कितना होगा, 2। D2 निकालेंगे बराबर कितना होगा, तीसरा में दूसरा को घटाएंगे, 9-3 घटेगा तो कितना होगा, 6। तो देखिए D1 D2 बराबर नहीं है, लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, तो अतः AP में नहीं है, यही आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।